नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड से रिलेटेड कुछ कमेंट आए हैं, उस कमेंट को हम आज सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका राशन कार्ड डीलर के साथ अच्छा संबंध नहीं है और हमेशा किच किच होते रहता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शायद कुछ आपको सॉल्यूशन मिल सकता है यहाँ से। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं 23 जनवरी को जो प्रभात खबर में छपा एक न्यूज को देखते हैं। और न्यूज को देखने के बाद शायद लगता है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वो न्यूज हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पेज नंबर 5 में ये न्यूज छपा है। शिकायत हो तो कार्डधारी दूसरे डीलर से ले सकते हैं राशन। अगर आपका प्रॉब्लम है कोई डीलर से, तो आप दूसरे डीलर के माध्यम से आप चावल उठा सकते हैं या जो भी मिलते हैं राशन कार्ड में वो सारे आप दूसरे डीलर के माध्यम से ले सकते हैं। डीलर के साथ राशन कार्डधारियों का तालमेल नहीं बैठने की स्थिति में कार्डधारियों को इच्छा अनुसार नज़दीकी डीलर से राशन मिल सकता है। सरकार ने ऐसे राशन कार्डधारियों के लिए व्यवस्था कर दी है। इन व्यवस्था का लाभ राशन कार्डधारी ले भी रहे हैं। इस विकल्प से डीलर राशन कार्डधारी विवादों में कमी आई है। इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए कार्डधारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करनी होगी। अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे शिकायत करते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम अगला वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। पोर्टल पर आई शिकायतों की जाँच ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में शामिल अधिकारियों की ओर से की जाती है। जांच में मामला के सही पाए जाने पर इसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास भेजा जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अनुमोदन के बाद संबंधित राशन कार्डधारी को इस योजना का लाभ मिलता है। ऑनलाइन शिकायत के दौरान कार्डधारियों को अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होता है। शिकायत के सत्यापन के बाद ही इस व्यवस्था का लाभ संबंधित कार्डधारी को मिल सकेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपका विवाद राशन कार्ड डीलर से है, तो आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तब जाके आपको ये लाभ मिलेगा। आपको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे शिकायत दर्ज करना है। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको ऑफिस के द्वारा एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वो जाँच के दौरान सही पाए जाने के बाद आपको फिर से कॉल आएगा और आप जिस डीलर से चाहते हैं उस डीलर से आपको राशन दिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। जांच के सत्यता होने पर मिलेगा लाभ। आपूर्ति पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी पवन कुमार मंडल ने कहा कि डीलर से जिन कार्डधारियों का लगातार विवाद चल रहा हो, वैसे लोग ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो उन्हें उनकी इच्छा अनुसार दूसरे डीलर से राशन दिया जा सकता है। पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच की जाएगी। सत्यता सामने आने पर ही उसे इस व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा। ये सारा डिटेल्स करता है कि अगर जांच के दौरान सही पाया गया, रियल में आपके साथ बकझक होता है, किचकिच होता है, तो ये मामला सही पाया जाता है, तो आपको दूसरे डीलर के माध्यम से आपको चावल दिया जाएगा, या कुछ भी जो राशन कार्ड के माध्यम से दिया जाता है वह किसी दूसरे डीलर के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन पोर्टल में आप किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, तो हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, हम अगला वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर कमेंट नहीं आया तो हम अगले वीडियो लाने का कोशिश ही नहीं करेंगे और वीडियो लेकर के आएंगे भी नहीं। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय।